थैंक यू. इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. कहते हैं अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है. नेहा के बारे में एक छोटी सी बात बताऊं इससे पहले कि मैं आपको आगे बातचीत करूं. उन्होंने मुझे अपनी एक लाइन से वर्ल्ड फेमस कर दिया था. जब वो शुरू में फिल्मों में आई थी तो उन्होंने कहा था, देयर ओनली टू थिंग्स दैट सेल इन द वर्ल्ड, सेक्स एंड शाहरुख खान. या शी सेड दैट. वो ऐसे भी बात कर रही थी अंदर से मन्नत कैसा होगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूछ रही थी अंदर से मैं कैसा होऊंगा. बिलीव दैट जब आप जवान होते तो आप थोड़े से याहूम या जब आप जवान होते हैं और ये सब के केस इन पॉइंट होगा मुझे लगता है. अजय और संजय भी इस बात को बोलेंगे. तो थोड़ी सी हाउ डू यू से एक जवानी की स्टुपिडिटी होती है कि हमको जो लगता है हम अपने आप को इनफैलेबल समझते हैं. लगता है कि यार कुछ भी गलत नहीं होगा तो हम कूद जाते हैं. सो आई वुड गिव ऑल दिस श्रेय टू दैट जवानी यार कर लेते हैं यार सब ठीक हो जाएगा. और अमूमन ठीक हो ही जाता है क्योंकि उस वक्त फेथ और बिलीफ होता है. जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं सिनिकल हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, नंबर क्रंचिंग करने लगते हैं. और फिर हम कभी कभार ये भी घूम कर सोचते हैं जब पहले हुआ था ऐसा क्यों नहीं हो रहा है इस वक्त. मेरे साथ भी होता है ऐसा, सबके साथ होता है. सो आई वुड से जब मैं नया नया आया था मुंबई में और वो बंगला सब बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं, दिल्ली में सबके बंगले होते थे यार, तो मुझे वो अजीब नहीं लगता था. कि हम जब बैंड स्टैंड पर जाते थे तो मैं ये तो बंगला तो सभी का होता है, हमें नहीं मालूम था मुंबई में अपार्टमेंट्स होते. तो मुझे ऐसा लगा यार बंगला ही होना चाहिए. हम बहुत गरीब थे लेकिन हमारा भी बंगला ही था. सो आई मे बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली यू फेल बंगलो कल्चर. लेकिन मुझको कभी भी, और मैं फिर ये बोलूँगा मैं बहुत शुक्रगुजार, लेकिन मुझे कभी भी मेरी कोई भी मटीरियल चीज़ मेरी अचीवमेंट नहीं लगी. मुझे मन्नत भी मेरी अचीवमेंट नहीं लगती, मुझे गाड़ियाँ अचीवमेंट नहीं लगती, मुझे पैसा अचीवमेंट नहीं लगता. वो एक चीज़ है जो हो गई और मैं बहुत खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ भगवान का कि ये हुआ. बट बियॉन्ड दैट आई डोंट थिंक अबाउट ऑफ इट इन एनी अदर वे एक्सेप्ट कि जो मेरा कोर काम है आई होप आई कैन डू दैट वेल. आई एम एन एक्टर, आई होप आई कैन एंटरटेन यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, दैट्स ऑल. देर इज नथिंग एल्स. नेवर हैज एनी एक्टिंग बीन डन टू बाय मोर. एक्टिंग इज ऑलवेज बीन डन टू गिव मोर एंड आई होप आई कैन डू दैट. जिस तरह से सलमान खान ने जो बयान दिया है रेप के ऊपर, तो आपको क्या लगता है सलमान खान को माफ़ी मांगना चाहिए प्रेस में आके? उन्होंने महिला आयोग में भी माफ़ी नहीं मांगा है, तो आपकी क्या? यू नो इन द लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव कम टू रियलाइज दैट आई हैव मेड सो मेनी इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स माई सेल्फ. आई डोंट थिंक आई एम समवन टू सिट इन जजमेंट फॉर एनी बडी एल्सेस कमेंट्स, टू बी रियली ऑनेस्ट हियर. एंड इट्स नॉट टेकिंग अ साइड, नॉट टेकिंग अ साइड. मैं खुद इतनी बातें करता हूँ यार, हम कौन है बैठ के जजमेंट करें इस बात का और डिसाइड करें कि उसको क्या करना चाहिए. जिसको जो करना चाहिए वो अपने डिसाइड करें. पर्सनली स्पीकिंग यार आई डोंट थिंक आई एम एनी वन टू बी मेकिंग अ कमेंट ऑन दिस. आई एम सो इनअप्रोप्रिएट माई सेल्फ. आई हैव डन सम रियली रॉन्ग थिंग्स आल्सो इन द लास्ट टू इयर्स. फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ टू youtube.com/biscuittv.